हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन कर दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ लहसुन, अदरक और प्याज कटिंग करके डाल लिए हैं। और मैं हमेशा इसी में कुंडी, इसको हमारी भाषा में कुंडी और घोटा बोलते हैं, ये जो होता है उसको घोटा बोलते हैं, तो इसी में ही अपना मसाले का पेस्ट बनाती हूँ। जो भी अंदर डालना हो सब्ज़ी में मसाला बनाती हूँ। तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड करके पेस्ट बना सकते हो, बट ये अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो ये आसानी से अपने मिट्टी वाले बर्तन की शॉप जो होती है वहाँ पे मिल जाता है। और ये जो घोटा होता है ये नीम की लकड़ का बना होता है, जो हम इससे कूटते हैं तो ये इसके अंदर जाता है इसका, तो ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो हमेशा से यही यूज़ कर रहे हैं हमारे, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो हम मसाला रेडी कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कूट कर मसाला तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, हमने थोड़ा पहले डाल लिया था ताकि ये थोड़ा मसाला कूटने में आसानी होती है। अब हम डालेंगे मिर्च मसाला, और ये मैंने थोड़ा वेजिटेबल मसाला रखा हुआ है बनाकर पहले से ही, तो इससे क्या होता है कि सब्ज़ी का थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो आप देख सकते हैं कि सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं और थोड़ी हींग भी मैंने डाली है, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इस मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ हम कुकर में थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जिसमें आप सब्ज़ी बनाना पसंद करते हो। मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है, और तेल थोड़ा गर्म होने पर हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हमें इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा भुनने का थोड़ा इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसमें जो मसाला हमने रेडी किया था कूट कर वो इसमें डालेंगे। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मसाला बिल्कुल बनकर रेडी है। हमने इसको 5 मिनट के लिए बनने के लिए रख दिया था। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रंग यहाँ पर आया है मसाले का। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तोरी, जो कि हमने छिलकर काट कर इसको धोकर रखी थी, इसमें थोड़ी थोड़ी कर कर डाल देते। गैस को स्लो रखेंगे, अगर आप चाहें तो इसको सीटी भी लगा सकते हैं। पानी बिल्कुल न डालें, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी का खुद ही बहुत पानी हो जाता बन जाता है। तो यहाँ मैं इसको भाप में बनाऊंगी, इसके ऊपर सिंपल प्लेट रखकर, और पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। पानी मैं थोड़ा ऊपर डाल देती हूँ ताकि सब्ज़ी चिपके नहीं। और गैस को बिल्कुल स्लो मैंने कर दिया है, इसको बनने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर आप सीटी से बनाना चाहते हो, अगर आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट में इसको रेडी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3 सीटी लगा सकते हो, इससे सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर सीटी से नहीं, सिंपल पानी रखकर भाप से बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारी तोरी की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है, और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, ये 20 मिनट में बनकर तैयार हो गई है।
और अगर आपको लगे कि ये चिपक रही है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, देखिए आप, फिर भी ये बिल्कुल इसमें तरी है और आप देख सकते हो कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।